आई टेक द टेक्सटाइल फाइबर्स है ना, तो यस्टरडे आई हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉटन फाइबर्स, ठीक है ना। इन सेकेंड पार्ट वी आर स्टडिंग द मार्फोलॉजी ऑफ कॉटन फाइबर्स, है ना। इन द गेट एक्चुअली क्या, ये आपका कॉटन ऊन सिल्क दे आर द मेजर पार्ट ऑफ दिस, तो आई विल टेक इन डिटेल। बास फाइबर्स आर वेरी लेस, तो आई विल टेक द जूट हेम्प। आपका जो मेजर फाइबर्स हैं है ना नेचुरल, जैसे आपका तो वो आपके हैं आपका कॉटन ऊन सिल्क पॉलिएस्टर नाइलोन एक्रिलिक रेयॉन्स, ये सब आपके डिटेल्स हैं। और सेकेंड पार्ट है आप, फिर सेकेंड है आपका बास फाइबर्स वगैरह नेचुरल में है ना। ये तो नेचुरल फाइबर की हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरल के अंदर क्या है आपका, ये आपका कॉटन है, ऊल है, सिल्क है, तो ये सब नेचुरल है ना। और जो बास फाइबर्स है वो लेस है इन कंपेरिजन टू द मेन फाइबर कॉटन ऊल एंड सिल्क। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट द मार्फोलॉजी ऑफ द कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर सेकेंड पार्ट, मार्फोलॉजी ऑफ कॉटन फाइबर, यहाँ के सेकेंड ईयर के कोर्स में भी है मार्फोलॉजी ऑफ द कॉटन फाइबर। तो इसके अंदर हम जूट जो कॉटन फाइबर है उसकी एनाटॉमी एंड डेस्टिंग हम सब स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया था कि कॉटन के अंदर आपका जो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है ना, अगर कॉटन फाइबर को आप माइक्रोस्कोप में देखें, अभी आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा फाइबर आइडेंटिफिकेशन अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि हम फाइबर को माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो कॉटन फाइबर चूंकि नेचुरल फाइबर है तो इसके अंदर क्या होता है कि मैन मेड फाइबर तरह ग्रोथ नहीं होती है, इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइबर आपका ग्रो होता है ग्रीन पॉड के अंदर, है ना। ये कॉटन का जैसे मैंने आपको कल डिस्कस किया था, कॉटन का एक पेड़ होता है नेचुरल, और उसके ऊपर जो मतलब फ्रूट लगता है ना, उसको बोलते हैं आपका ग्रीन पॉड। तो ग्रीन पॉट के अंदर क्या जाता है, ये आपका जो कॉटन फाइबर है ये होता आपका ग्रीन पॉट, जिसके अंदर आपके 20 से लेकर के 25 सीड्स आपके होते हैं, और ये आपका ग्रीन पॉट आपका कवर्ड होता है पूरा लाइक दिस, और इसके अंदर आपका इसको बोलते हैं आपका ग्रीन पॉट, ठीक है। और जैसे जैसे कॉटन फाइबर आपका और इसके अंदर जो फाइबर होता है हमारा वो आपका हमेशा इस टाइप का रहता है एकदम सिलिंड्रिकल, ये ग्रीन पॉट के अंदर है ना। और जैसे आपका ये तीन टाइप का फाइबर होता है कॉटन के अंदर है ना, एक होता आपका डेड फाइबर, एक होता हाफ मैच्योर फाइबर, और एक होता नॉर्मल आर है ना मैच्योर फाइबर। तो तीनों टाइप हमारे यहाँ पहले प्रैक्टिकल भी था इसका, तो हम इसके अंदर हम क्या करते थे कि स्लाइड के अंदर हम कॉटन फाइबर को देखते थे, और उससे हम कल मैंने बताया था मैच्योरिटी कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये भी गेट और आपके इसमें आरटीयू कोटा के अंदर सवाल आते हैं हाउ टू, कल मैंने बताया था, आज मैं फिर आपको बता देता हूँ है ना। तो ये आपका जो पार्ट होता है ना ये पेड़ के ऊपर लगता है आपका, ठीक है, और ये जो फाइबर है आपका ये सिलिंड्रिकल होता है। अब जो डेड फाइबर्स हैं इनके अंदर क्या जाता है, केवल ल्यूमेन होती है, सेलुलोज बहुत कम होता है, ठीक है ना। और ये फाइबर्स आपके स्पिनिंग के अंदर यूज नहीं किए जाते हैं है ना, हमेशा मैच्योर फाइबर या हाफ मैच्योर फाइबर, और इसी को मेजर करने के लिए हम मैच्योरिटी कोफिशिएंट को निकालते हैं। कल मैंने बताया था, आज मैं फिर आपको बता दूंगा है ना, किसी चीज को जब दो तीन बार आप पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा है ना, एक बार में आपको समझ में नहीं आता, आप मैथ कितनी बार पढ़ते हैं
मतलब 12th में पढ़ते, 11th 12th, फिर इंजीनियरिंग में पढ़ते, फिर एमटेक है, तब फिर वही गैप, मैथ वही होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी वही है, उसको बार बार आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जेड फाइबर, इसके अंदर जो लिगमेंट होती है हमारी वो ये होती है, ये सच ए बिग, ये पार्ट होता है आपका ल्यूमेन और ये पार्ट होता है आपका सेल्लोज, और इसको बोलते हैं आपका डेड फाइबर, और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जब आपका ये फाइबर पॉट से निकलता है, जैसे जैसे फाइबर आपका ग्रो करता है ना पॉट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉट आपका ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद फिर आपका इसके जो ल्यूमेन होता है, ये विस्कस फाइबर, विस्कस लिक्विड होता है, ये आपका इवेपरेट हो जाता है और आपका फाइबर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये और आपको प्रॉपर टाइम के ऊपर प्लकिंग करनी है, अमेरिका वगैरह के अंदर तो मशीनें होती हैं वो इन फाइबर को प्लक कर लेती हैं, इंडिया में तो मैंने नहीं देखा, यूएस, ब्राजील, चाइना, ये सब मशीन होती है, वो कॉटन फाइबर को प्लग कर लेते हैं और फिर उनको कलेक्ट करके वो जीनिंग प्रोसेस आपका होता है, और जीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि सीड्स को अलग कर देते हैं, फाइबर को अलग कर देते हैं, ठीक है ना। और जैसे आपको बताया गया होगा ये स्पिनिंग का पार्ट है, यू हैव लर्न, है ना। तो जीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका सीड होता है उसके अंदर प्रोटीन और अच्छे अच्छे सेलुलोज वगैरह होता है, ये एनिमल के खाने, डेयरी वगैरह के अंदर यूज किया जाता है ना, और इससे घी वगैरह ज्यादा निकलता, और दूसरा पार्ट होता है आपका फाइबर जिससे स्पिनिंग करके हम कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब इस फाइबर को लेने से पहले हम उसका मैच्योरिटी कोफिशिएंट देखते हैं लैब के अंदर, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फाइबर होता है तीन टाइप का, एक तो आपका डेड फाइबर, इसको डी से, और दूसरा होता है आपका हाफ मैच्योर फाइबर, इसके अंदर सेल वॉल आपकी बढ़ जाती है ना? ये देखिए आपका, तो इसके अंदर क्या है आपका ल्यूमेन आपकी छोटी हो गई है ना, वॉल्यूम आपका कम होता जा रहा, ठीक है ना। तो इस जितना ज्यादा सेलुलोज का डेवलपमेंट होता है उतना कॉटन की वैरायटी अच्छी होती है, ठीक है ना। और तीसरा इसको बोलते हैं आपका हाफ मैच्योर फाइबर, और तीसरे होते हैं आपके नॉर्मल फाइबर, नॉर्मल फाइबर क्या इसको बोलते हैं आपका मैच्योर फाइबर, तो मैच्योर फाइबर के अंदर क्या होता है आपका बहुत छोटी आपकी ल्यूमेन हो गई, है ना। अब ये बोलते हैं आपका ल्यूमेन, ये आपकी ल्यूमेन, तो आप तीनों को कंपेयर करें, है ना। एक है आपका डेड फाइबर, इसके अंदर ल्यूमेन बहुत कम है, ल्यूमेन तो ज्यादा है और ये आपका कम है। दूसरा है आपका हाफ मैच्योर फाइबर, तो हाफ मैच्योर फाइबर के अंदर क्या है आपका सेलुलोज आपका बढ़ गया, ठीक है ना। और तीसरा आपका नॉर्मल फाइबर, जो आपका मैक्सिमम आपको चाहिए कॉटन के अंदर। तो इन सब को मेजर करने के लिए हम क्या निकालते हैं आपका मैच्योरिटी कोफिशिएंट, कल मैंने आपको बताया था, इस पर गेट और आपके ये थर्ड सेल के अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, मैं भी आपका विंटर वगैरह होने जा रहा है, न्यूमेरिकल्स वगैरह इसी से रिलेटेड आपके आएंगे, ठीक है ना। तो वी कैलकुलेट द मैच्योरिटी कोफिशिएंट ऑफ कॉटन फाइबर, इसका फार्मूला है ना, दैट इज कॉल्ड एज द मैच्योरिटी कोफिशियंट, दैट इज इक्वल टू एन माइनस डी अपॉन 200 प्लस 0.7। ऑलवेज याद रखिए, इस पर हजारों क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, गेट वगैरह के अंदर आपके टेस्ट वगैरह या कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं, ये न्यूमेरिकल आपके इसी टाइप के आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके मैक्सिमम वैल्यू
तो आपका टोटल जो एन है आपका, ये आपका नॉर्मल फाइबर, नॉर्मल फाइबर परसेंटेज, ठीक है, और डी आपका है डेड फाइबर, ठीक है। अब मान लीजिए आपका मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैच्योरिटी कोफिशिएंट मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल फाइबर आपके कितने होना चाहिए, 100%, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी कोफिशिएंट मैक्सिमम ये बराबर हो जाएगा आपका 100/200+0.7, तो इसको बात करेंगे तो आ जाएगा 0.5+0.7=1.2, तो ये कॉटन फाइबर की मैक्सिमम वैल्यू है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो बेस्ट क्वालिटी जो कॉटन की होगी हम यहाँ से मेजर करते हैं, आपकी टेस्टिंग लैब होती है तो उसके अंदर हम ये माइक्रोस्कोप, आपका प्रैक्टिकल था अभी तो हटा दिया गया है, नहीं तो हम मैच्योरिटी कोएफिशिएंट फाइबर की निकालते थे, है ना। धीरे धीरे करके आपकी चीजें बहुत कम कर दी गई है ना, तो क्योंकि और वो तो इसको इसको आप वैसे प्रैक्टिकल आप लैब के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मैक्सिमम, अब मिनिमम वैल्यू, डी जीरो, हाँ ये आपका एन बराबर 100 है तो डी बराबर 0 हो जाएगा, है ना। ये टोटल आपका मिला करके एन प्लस आपका डी, ये बराबर है आपका कितना, 100, तो आपका डेड फाइबर आपका 0 है, तो नॉर्मल फाइबर कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि अच्छा फाइबर होना चाहिए तभी हमारी कॉटन आपकी अच्छी बनेगी, यू गॉट द पॉइंट, ठीक है ना। बेस्ट कॉटन आपकी आनी चाहिए, देन यू हैव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द यार्न, ठीक है ना। अब आप देखते हैं कि कल मैंने बताया था सी आइसलैंड कॉटन, इजिप्टियन कॉटन, इनकी लेंथ आपकी जो होती है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इंडियन कॉटन की जो लेंथ होती है वो आपका 20 mm से लेकर के 25 mm होती है, और चाइना की कॉटन इससे भी ज्यादा पुअर होती है ना, 15 से लेकर 20 होती है। तो बेस्ट कॉटन मार्केट में आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके टी शर्ट शर्ट के ऊपर लिखा होता है इजिप्शियन कॉटन, सी आइसलैंड कॉटन, है ना। तो ये सब कॉटन वर्ल्ड की बेस्ट कॉटन है, इनकी लेंथ ज्यादा होती है ना। अब मार्केट के अंदर तो हर चीज बिकती है, ठीक है ना। अगर आप शॉर्ट किलेंगे तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लॉन्ग किलेंगे तो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, इसीलिए उसके रेट ज्यादा होते हैं, उनकी कॉस्ट रॉ मेटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं आपका, मैच्योरिटी कोफिशिएंट मिनिमम, इसके अंदर टोटल आपके ये तो हो जाएंगे 0 और ये हो जाएंगे आपके 100, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 - 100/200+0.7, तो ये आ जाएगा आपका -0.5+0.7, तो ये आ जाएगा 0.2। तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है ना, जब टोटल आपके डेड फाइबर थे नॉर्मल आपके 0, है ना। मतलब ये देखिए आपका नॉर्मल तो आपके 0 हो जाएंगे और डेड आपके हो जाएंगे 100%। तो उसी फार्मूले के अंदर हमने लग दिया तो एन बराबर 0 आ गया और डी बराबर आ गया -100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0.2। तो गेट वगैरह आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम कॉटन का इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना भाई। कोई चीज का नापने का कुछ हमारे टूल्स होते हैं, है ना, कि भाई आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपका बायोडाटा देखा जाता है, परसेंटेज, फिर आपने कितने गेम में पार्ट लिया, ये सब चीजें आपकी कंसीडर होती है ना। देन यू आर सेलेक्टेड इन द कंपनी, उसी तरीके से जो फाइबर का हम सिलेक्शन करते हैं कॉटन फाइबर का, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कॉटन फाइबर की मैच्योरिटी कोफिशिएंट कितना ज्यादा है,
जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा यान बनेगा, और उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट तय होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। नाउ आई कम टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉटन। आपके तीन टाइप के कॉटन है, ठीक है ना। अब तीनों टाइप के कॉटन को अब ये कॉटन है, तो जब ये ग्रीन फ्रॉन्ट में रहता है तो आपका जेट फाइबर इस तरीके से दिखेगा, सर्कुलर होता है। ये आपका ल्यूमेन जब आपका ग्रीन पॉट के अंदर है, और जैसे ही इसको ये फाइबर आपका बढ़ेगा तो ग्रीन पॉट ब्रेक कर जाएगा और फाइबर के ऊपर लाइट आपकी पड़ने लगेगी। तो जब लाइट पड़ेगी सनरेज, तो इसके अंदर जो ल्यूमेन के अंदर जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, और उसके होने से आपकी ट्विस्ट आ जाती है। जैसे मैंने बताया डिजायरेबल फाइबर के लिए सबसे जरूरी चीज है ट्विस्ट। जैसे मैन मेड फाइबर के अंदर ट्विस्ट नहीं होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर पॉलिस्टर नायलोन वगैरह के अंदर, पॉलिस्टर वगैरह के अंदर हम ट्विस्ट देते हैं स्टफर बास क्रिम्पिंग के द्वारा। अगर क्रिम्प नहीं होगी फाइबर में तो तागा आपका नहीं बनेगा, तो ये नेचुरल है ना। अब ये जैसे आपका ड्राई होगा तो इसका शेप आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आफ्टर ड्राइंग। जब आपका फाइबर के अंदर रहेगा पॉट के अंदर तो ये, और इसका क्रॉस सेक्शन आपका ट्यूबलर है ना। जैसे आपका ये पेन है, इस टाइप का फाइबर है, और बाहर की तरफ आपका सेलुलोज है और अंदर की तरफ ल्यूमेन है। अब जैसे ये फाइबर क्या टूटेगा, बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, वो पॉट आपका ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होते ही फाइबर के ऊपर लाइट पड़ना शुरू होगी, सनलाइट। तो सनलाइट पड़ते ही क्या हो जाएगा, जो इनसाइड लिक्विड है ल्यूमेन के अंदर, ये आपका इवेपोरेट होगा और वैक्यूम आपका क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने से आपका क्या हो जाता है, वो चीज कोलैप्स कर जाती है। लो प्रेशर होने से क्या होता है, वो चीज है ना, जैसे किसी बर्तन के अंदर आप स्टीम भर दीजिए, और स्टीम जैसे ही खत्म होगी वो बर्तन आपका कोलैप्स कर जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल ये देखिए, किसी बर्तन में आप स्टीम हाई प्रेशर पर भर दीजिए, और जैसे ही प्रेशर आपका स्टीम को ठंडे पानी में रखोगे, है ना, बर्तन को, बर्तन क्लोज है जैसे, है ना, तो जैसे ही रखोगे तो क्या होगा, स्टीम जीरो, प्रेशर बहुत कम, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। उसी तरीके फाइबर होता है, जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर आपका पड़ेगा, है ना, तो ये आपका ट्विस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको मर्सराइज कॉटन आपको बनाना है ना, तो हम क्या करते हैं, किसके अंदर हम 18% एनएवएस दे देते हैं, तो ये कॉटन आपकी मर्सराइज कॉटन, ठीक है ना। जैसे आप देखें तो ये जो फाइबर होता है एकदम फेल कर जाता है। कल मैंने आपको बताया था ये आपका कॉटन फाइबर है, आपका सेलुलोज है इसके अंदर, लाइट बेस है ना। और जैसे ही आप 18% एनएवएस के अंदर ट्रीट करते हैं फाइबर को, तो ये क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा लाइक दिस। और ये जो वॉल्व है आपका, ये सर्कुलर हो जाएगा लाइक दिस, ये चमकने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी शर्ट जो है ये कॉटन मर्सराइज्ड है, तो चमक आपको आ रही है। ये क्यों चमक आ रही, क्योंकि फाइबर हमारा 18% एनएवएस से ट्रीट कर दिया गया है, इस वजह से उसका जो आपका कोलैप्स था वो खत्म हो जाता है एनएवएस से, और फाइबर आपका चमकने लगता है। तो मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो उस पर टी शर्ट कमीज पर लिखा होगा मर्सराइज कॉटन, इसका मतलब ये है कि कॉटन को अपने 18% एनएवएस से ट्रीट कर दिया गया है, और शर्ट आपकी चमकने लगेगी। अभी आप मेरे को देखो,
ये मैं टी शर्ट पहने हुए हूँ तो ये आपका मर्सराइज कॉटन है और इसके ऊपर लिखा भी गया है, आप यहाँ दिखा दो, ये मर्सराइज कॉटन लिखा हुआ, ये लिखा है ना इधर आ, ये देखो लिखा है ना मर्सराइज है? हाँ देखो इस पर ये लिखा, इसको दिखा दो, दिख जाएगा, ये देखिए इस पर लिखा हुआ गीजा मर्सराइज कॉटन, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, समझ जाएंगे। अरे ये ऐसे दिखाओ ना, ये देखिए आपका गीजा मर्सराइज कॉटन जी है ना, तो इस तरीके से आप देखें तो आपका जो कॉस्टली टी शर्ट है कलर वगैरह की आप लेते हैं है ना, थोड़ी महंगी मिलेंगे, हजार हजार 700-800 की आपको एक टी शर्ट मिलेगी है ना, 1000 रुपए की, उसके अंदर क्या होती है चमक आती है आपकी, आप इंफीरियर क्वालिटी की टी शर्ट लेते हैं तो बिना गीजा कॉटन वगैरह नहीं होता है, इजिप्शियन कॉटन, गीजा कॉटन, सी आइसलैंड, वो इंडियन कॉटन की होगी, आपको सस्ते में 300-400 मिलेगी, तो फिर क्वालिटी में फर्क है ना। एक आप 5 स्टार में खाना खाते हैं तो एक थाली की कीमत होती है 3000 रुपए, 2500 रुपए है ना, इवन आप एक है ना, और वही आप एक साधारण होटल के अंदर खाना खाते हैं, ढाबे के अंदर खाना खाते हैं तो आपको 100 रुपए में पूरा हो जाएगा है ना, और रसगुल्ला और खिलाएगा बाद में है ना, तो क्या हो जाता है कि वो फर्क होता है, वहां का जो बहरा आता है तो ग्लव्स वगैरह लगा के आता है, और यहाँ पर जब आप चाय पीने जाते हैं, पानी पीने जाते, पानी मंगाते हैं ना, तो एक गिलास से चारों गिलास भर के लाएगा तो पानी के अंदर आपके बैक्टीरिया चले जाते हैं एंड दैट कॉजेस डिजीज टू योर बॉडी, समझे नहीं, तो क्या हो जाता है कि फिर वो चाय आप पीने जाते हो तो ये सब चीजें आपका होता है ना, तो दिस इज कॉल्ड, ये आपका जो है मर्सराइज कॉटन, ठीक है ना, इसकी कॉस्ट आपकी पड़ गई। दूसरा होता है आपका हाफ मैच्योर, तो इसके अंदर ये आपका ये वाला कॉटन है और ये आपका इस तरीके से, ठीक है ना, और इसको आप ड्राई करेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा, ये और आप मर्सराइज कर देंगे तो फिर ये सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज आफ्टर मर्सराइजेशन। देखिए आपको गेट के अंदर या कोई भी एग्जाम के अंदर आपको डिटेल स्टडी सब्जेक्ट की आपको करनी है, आप इवन पॉलिटेक्निक या कहीं भी आप है ना, डिफेंस सेंट्रल सिविल बोर्ड, डीआरडीओ, आप इंटरव्यू में बैठेंगे, डिटेल टेस्ट होगा आपका है ना, तो वहां पर इसी टाइप के सवाल, जो गेट का सिलेबस होता है ये कॉमन सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया में, आप पॉलिटेक्निक में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो यही आपका सिलेबस होगा, आप देख लीजिए है ना, तो क्या हो जाएगा कि अगर आपको नॉलेज है सब्जेक्ट की तो आप कहीं भी आप क्वालिफाई कर लो, ठीक है ना, और नहीं है तो फिर वो प्राइवेट फैक्ट्री है, 15000 रुपए पर मंथ मिलेगा है ना, और अगर आप डिफेंस इसमें जाते हो तो लगभग आपकी 1.5 लाख सैलरी होगी, समझे नहीं, तो ये तो नाउ दिस इज योर द हाफ मैच्योर फाइबर, ठीक है ना, और दूसरा ये आपका मर्सराइज कॉटन, और तीसरा होता है बैचोर, तो इसके अंदर क्या हो जाता है आपका बहुत छोटी सी ल्यूमेन, ठीक है ना, और ये फाइबर आपका क्या हो जाएगा, ये किडनी टाइप का आ जाएगा जो आफ्टर डन, तो बेस्ट कॉटन आपकी यहां से निकले, ठीक है ना, तो ये आपने बता दिया आपका मैच्योरिटी ऑफ द कॉटन। अब मैं आता हूं आपका हम लेते हैं आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉटन, मतलब कि स्टडी द एनाटॉमी एंड ऑल दोस थिंग अबाउट द फाइबर। अगर आप फाइबर को आप देखें तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर अगर आप फाइबर को देखें 500 मैग्नीफाइंग, तो आपका स्लाइड के अंदर फाइबर आपको ऐसा दिखेगा। ये आपका हो जाएगा एलएस, इसको बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और एलएस शॉर्ट में। दूसरा होता क्रॉस सेक्शन, जब फाइबर को कट कर देते हैं तो ये किस टाइप का दिखेगा, किडनी टाइप का, है ना। अगर आप इसको देखें तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, एक माइक्रोटोम करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है वो बड़ा फाइन कटिंग कर देता फाइबर, फिर उसको स्लाइड में देखते हैं। पहले हम कराते थे ये प्रैक्टिकल वगैरह, अब तो कर अब ये यूज नहीं करते ज्यादातर, खाली एलएससी आपको दिखा देते हैं, है ना। तो आपको वो क्या होता है, फाइबर को जब आप देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये इस तरीके का दिखेगा। ये किडनी शेप, क्योंकि ये सब आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, तो ये आपके मैनमेड तरह सर्कुलर या ये नहीं दिखेंगे। वही आप पॉलिस्टर नाइलोन को देखोगे एकदम सर्कुलर, इसीलिए कॉटन की स्पिनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है और पॉलिस्टर की स्पिनिंग बहुत आसान। कारण इसका ये हो जाता है, यहाँ पर लेंथ कॉटन की स्टेबिलिटी चेंज होती रहती है, डायमीटर चेंज होता रहता है, और मैनमेड फाइबर के अंदर 38 mm फाइबर लेंथ ले लिया और 2 डेनियर का फाइबर 1.5 डेनियर, ये डेनियर आपका धागा बनाने में यूज होते हैं, 1.5 डेनियर, 2 डेनियर एंड 1.5, ये 3 डेनियर आपके यूज होते हैं, 3 डेनियर, है ना, 1.5 डेनियर, 2 डेनियर और 2.5 डेनियर, और लेंथ होती है आपकी कितनी, 38 mm, और ये आपका फाइबर इस तरीके से होता है, मैनमेड फाइबर सर्कुलर, ठीक है ना। और जहां आपका नेचुरल फाइबर आपका इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो जब आप लैब के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे तो ऐसे ही आपको फाइबर को आइडेंटिफाई करना, अगर फाइबर आपका एकदम सिलिंड्रिकल है इसका मतलब ये आपका मैनमेड फाइबर है, रेयॉन एक्रिलिक, है ना। तो ये सब आपके पॉलिस्टर नाइलोन, और नेचुरल है तो इस तरीके से। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉटन फाइबर, ये भी सब इसी में आता है आपका। अगर आप कॉटन फाइबर को देखें तो किस टाइप का आपका दिखता है,
बाहर की तरफ जो होती है ये कहलाती है आपकी क्यूटिकल। ठीक है ना। दूसरा होता है आपका प्राइमरी वॉल। तीसरा होता है आपका सेकेंडरी वॉल। और ये कहलाती है हमारी ल्यूमेन। ये सब आपके जो है ये फाइब्रिल्स होते हैं, जो आपका पॉलीमर होता है, जब कई पॉलीमर जुड़ जाते हैं उसको फाइब्रिल कहते हैं। तो आपका ये फाइब्रिल है। ठीक है ना। जो आपका प्राइमरी वॉल, जो आपका आउटर वॉल है, ठीक है ना, क्यूटिकल। तो जैसे आप कपड़े पहनते, जूते पहनते, क्यों? क्योंकि आपको पैर को सेव करना है। तो फाइबर के अंदर भी ये आपका क्यूटिकल होती है जो उसके फाइबर प्रॉपर्टी को बचाती है, नहीं तो क्या हो जाएगा, फाइबर आपका डैमेज हो जाएगा, है ना। अगर आप जूते नहीं पहनते और डायरेक्ट आप गंदी सड़क पर या उसके ऊपर जाते हैं तो पैर आपके डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए आप जूते पहनते, कपड़े पहनते, ताकि, है ना। कुछ लोग होते हैं वो टी शर्ट बनियन नहीं पहनते, और ये बहुत ही जरूरी पार्ट है शरीर का, क्योंकि आपको फीवर आ जाएगा। बहुत से बच्चे ये बनियन नहीं पहनते, मुझे तो पहनते हैं लेकिन क्या, बनियन नहीं पहनते। तो कारण इसका ये हो जाता है कि वो जो टेम्परेचर बॉडी का वो चेंज होता रहता है और आपको खांसी जुकाम बुखार लगता है। तो ऑलवेज व्हेन यू गो, इसी तरीके से फाइबर के अंदर जो क्यूटिकल है आपकी, ये जो क्यूटिकल आपकी बाहर की तरफ है, ये आपका सेलुलोज वैक्स है ना, और आपका ऑयल की बनी होती है, ठीक है ना, क्यूटिकल जो होती है बाहर की तरफ। और वैक्स इसलिए यूज किया जाता है, कोई पानी वानी पड़ जाए फाइबर पर तो वो वेट नहीं होगा। ये सब हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और इनको जब हम स्काउरिंग करते हैं तो ये वैक्स आपका निकल करके सोप बनाता है ना। आप जो सोप यूज करते हैं ना, जैसे आपका ऊल फाइबर है, ऊल फाइबर के अंदर आपका ये जो शीप वगैरह होती है, तो नेचर ने क्या किया, इनको पानी से बचाने के लिए वैक्स दे दिया है ऊल फाइबर के अंदर। वो जब आपकी स्पिनिंग होती है तो आपका ये वैक्स आपका निकाल के रख लिया जाता है, और ये सब आपके बड़े बड़े केमिकल सोप वहां पर आपका यूज किया जाता है। इट इज द नेचुरल। एक डायमंड होता है ओरिजिनल, जो हमको माइन से मिलता है, उसकी कास्ट बहुत ज्यादा है। एक डायमंड होता है आपका अमेरिकन, जिसको हम लैब के अंदर बनाते हैं, वो सस्ता होता है, है? हाँ हाँ, वो कार्बन से बनता है आपका, ठीक है ना। तो ये सस्ता होता है। ऐसे ही आपका ये है, जो आप नेचुरल वैक्स आप यूज करते हैं तो वो कॉस्टली होता है, क्योंकि फाइबर ये नेचर ने बनाया है। और एक जो आप मोम यूज करते हैं मोमबत्ती के अंदर, वो मोम आपका अलग है, हमने क्या नकल करके बना दिया उसको, ठीक है ना। नकल करके तो बहुत सी चीजें बना दी गई है ना, आपके डीएनए से आपको डेवलप कर सकते हैं। अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, सब बैन लगा हुआ है ना। नहीं तो एक सेल से हम, जैसे आपने जुरासिक पार्क पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर यही दिखाया गया है कि एक मच्छर ने एक डायनासोर को काटा था, तो उस साइंटिस्ट को वो मच्छर मिल गया, और वो मच्छर कई साल, हजारों साल पुराना था, और उसके बाद उसने उसका डीएनए निकाल करके और डायनासोर डेवलप कर दिया। आपने जुरासिक पार्क पिक्चर देखी होगी 1, 2, 3, उसके अंदर यही चीज है। आप देखें तो साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं कि खुदाई कर रहे थे तो उनको पहाड़ के अंदर एक मच्छर मिला रेड, है ना। तो ये कहानी आप उसी तरीके से यहाँ पर भी है ना। तो ये जो आपका, अब ये जो आपका होता है क्यूटिकल, देखिए गेट वगैरह के अंदर ये मेजर पार्ट है कॉटन। 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, क्या परसेंटेज है, कितना सेलुलोज है, क्या, हजारों क्वेश्चन लाखों बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको कमांड है, समझ गए, तो आप सब कर लोगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या हो जाता है कि 3 एलिमेंट होते हैं, कॉटन वैक्स,
ये तो ये प्रोटेक्ट करता है फाइबर को, प्रोटेक्ट फाइबर, ये बाहर बहुत ही थिन लेयर होती है ये क्यूटिकल की बाहर की तरफ, ठीक है ना, और ये पूरे फाइबर को कैप्चर करेगी, ठीक है ना। अगर ये ना होती तो फाइबर आपका डैमेज हो जाएगा, आप स्पिनिंग करने जा रहे हैं तो फाइबर वही टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है आपका कॉटन वैक्स, फैट एंड ऑयल, इसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं, कॉटन वैक्स प्लस ऑयल प्लस फैट, ये तीन एलिमेंट होते हैं क्यूटिकल के। गेट वगैरह ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये 60 क्वेश्चन जो है इसमें से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपके एग्जाम मिटर वगैरह के अंदर, कि क्यूटिकल के अंदर कौन सा कंपाउंड है, एक नंबर का क्वेश्चन। तो मैं तीनों में से एक दिया होगा आपको, है ना। और ऑयल क्या यूज करते हैं, ये क्या, जब कॉटन फाइबर बनता है तो क्यूटिकल आपका वेट होता है, ऑयल लुब्रिकेंट टाइप से होता है, ठीक है ना। और जैसे ही ये कॉटन, ये पॉड आपकी फटती है तो ये आपका सूख करके हार्ड बन जाता है फाइबर के ऊपर। पहले जब ये अंदर होता फाइबर ग्रीन पॉड के अंदर, तो ये जो क्यूटिकल होता है सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है, फैट्स वगैरह होता है ना, ताकि उसका डेवलपमेंट फाइबर का आसानी से हो सके, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है कि ये एलिमेंट है इसके अंदर क्यूटिकल के अंदर। अब हम आते हैं आपका प्राइमरी वॉल, जो प्राइमरी वॉल होता है, सेकेंड जो प्राइमरी वॉल होता है ये मेन पार्ट ऑफ द फाइबर है ना। ये आपका ये बना होता है फाइब्रिल से, फाइब्रिल क्या होते हैं आपके, ये सेलुलोज पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। और ये पैरेलल टू द फाइबर एक्सिस नहीं होते हैं, ये हमेशा 70 डिग्री के ऊपर है, ये आपका एक्सिस ऑफ फाइबर है और एंगल आपका जो है वो 70 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। तो ये 70 डिग्री के ऊपर आपके होते हैं फाइब्रिल, ये सब आपके फाइब्रिल्स हैं, ठीक है ना। और ये मेन पार्ट ऑफ द कॉटन फाइबर प्राइमरी वॉल, ठीक है ना। और इसके अंदर आपका होता है फाइब्रिल, जैसे ये आपका कॉटन फाइबर है, इसका डायमीटर कितना होता है कॉटन फाइबर का, लगभग 17 माइक्रोन, और ये होता है आपका 20 से लेकर के 25 माइक्रोन के बीच में, ये तो एवरेज है। वैसे ये 20 माइक्रोन से लेकर के आपका 25 माइक्रोन तक होता है, 20 से लेकर के, हाँ सॉरी 15 माइक्रॉन टू 2.25 माइक्रॉन, ठीक है ना। और इसके अंदर ये जो आपका ये आपकी प्राइमरी वॉल है, ये आपका है प्राइमरी वॉल, और इसकी थिकनेस होती है आपकी 0.1 से लेकर के ये डी प्राइमरी थिकनेस होती है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रो 0.1 टू 0.2
माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर, ये आपकी थिकनेस होती है इसकी। ये आपका जो है, ये आपका जो है प्राइमरी वॉल, है ना। तो आप देखेंगे मेजर पार्ट है कॉटन का, फाइब्रिल से बना हुआ, ठीक है ना। और जो आपका डेड फाइबर होते हैं ये सब खत्म होता है, क्यूटिकुलर थोड़ा सा सेलुलोज होता है, और जो मैच्योर फाइबर है तो ये 0.1 से लेकर के 0.2 है ना। और जैसे आप देखें मैंने पहले पढ़ाया हुआ, एल आपकी जो होती है ये आपका 25 mm होती है फाइबर लेंथ। अगर इसका एल बाई डी रेशियो निकालें, लेंथ एंड डायमीटर रेशियो, तो ये कितना निकलेगा आपका, लेंथ आपकी है 25 और आपका डायमीटर है आपका 17, और इसको 10^-3 तो ये आ जाएगा 1470, तो ये हमेशा 1000 से ज्यादा है, तो इसीलिए इसको फाइबर कहते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर पर बताया था, फिर मैंने बता दिया। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, जैसे कूल फाइबर के अंदर 3000, सिल्क आपका फिलामेंट होता है, कंटिन्यूस फिलामेंट है ना। तो दिस इज कॉल्ड द एल बाई डी रेशियो। और ये पेन हमारा जो है, ये पेन या मेरे हेयर, ये आपके फाइबर नहीं हो सकते टेक्सटाइल फाइबर, क्यों, क्योंकि इनका एल बाई डी रेशियो जो है ये आपका 20 या 30 के बराबर है। तो इस फाइबर से हम कॉटन यार्न नहीं बना सकते, और ना इस पेन से हम फाइबर बना सकते हैं। इस पेन का एल बाई डी रेशियो होगा 2:3, ये 5 mm है और ये 2 mm है, 2 को 6 से भाग करो तो 3, तो 3 से आप नहीं बना सकते हो जब तक एल बाई डी रेशियो 1000 से ज्यादा ना हो। ये कंडीशन है आपका और हर एक टेक्सटाइल फाइबर के अंदर, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द प्राइमरी वॉल, ये फाइब्रिल से बना होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है आपका, केमिकल स्ट्रक्चर, फैटी, ये सब आपके मेजर सेलुलोज हैं। फिर हम लेते हैं आपका सेकेंडरी वॉल, ये आपका प्राइमरी वॉल हो गया। अब इसी के अंदर छोटा सा आपका ये क्या कहता है आपका, ये सेकेंडरी वॉल है ना। और सेकेंडरी वॉल का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो फाइब्रिल्स हमारे होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, ये फाइब्रिल्स होते हैं, पतले होते हैं फाइब्रिल्स लाइक दिस। और ये जैसे जैसे फाइबर डेवलप होता जाता है तो ये प्राइमरी वॉल से चिपकते चले जाते हैं, ठीक है ना। और ये होता है आपका प्राइमरी, और ये होता है आपका सेकेंडरी, और फिर आपका ये कहलाता है आपका ल्यूमेन, है ये क्या कहलाता है, ल्यूमेन, जैसे मैंने अभी बताया ल्यूमेन के अंदर लिक्विड होता है, और जैसे ये लिक्विड आपका सूखेगा तो ये फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा सिलेंडर, उसको बोलते हैं कन्वोल्यूटेड फाइबर, ट्विस्टेड फाइबर, ठीक है ना। यहाँ पर जो फाइब्रिल्स होते हैं ये 20 डिग्री से लेकर के आपका 30 डिग्री,
ये इंक्लाइंड होते हैं, 5 डिग्री ये इंक्लाइंड है, ठीक है ना। फिर अंदर की तरफ आपकी लास्ट होती है आपका ल्यूमेन, ये कहलाती है हमारी ल्यूमेन। ये करीब कॉटन फाइबर का 30 से लेके 35% वॉल्यूम होता है ल्यूमेन का। तो थर्ड है आपका ल्यूमेन। तो ल्यूमेन के अंदर आपका लिक्विड होता है, और ये जैसे ही आपका, और ये करीब होता आपका 32-30% to 35% बाई वॉल्यूम। ये होता आपका, और जैसे इसको हम ड्राई कर देते हैं, ये आपका ये रहता है आपका ग्रीन पॉड के अंदर ऐसे, और जैसे सनरेज पड़ती है ग्रीन पॉड आपका टूटता है ना, ब्रेक होता है, जिससे तो फाइबर का डेवलपमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा कि ये जो ल्यूमेन है वो 5% रह जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा आपका ल्यूमेन वही 5% टोटल वाल, ये ड्राई हो जाता है, तभी इसके अंदर कन्वोल्यूशंस पड़ते हैं फाइबर के अंदर, ठीक है ना। तो आप देखें जो पहले फाइबर होता है हमारा वो इस तरीके से होता है, सिलेंड्रिकल है ना, ये आपका होता है सिलेंड्रिकल। और जब ये ड्राई हो जाता है तो ल्यूमेन हमारा सूख जाता है 35 से 30%, 5%, तो ये कैसा बन जाता है आपका ट्विस्टेड। ये आपका हो गया आपका, ये आफ्टर ड्राइंग, ये आपका ट्विस्टेड इसी टाइप से। ये आपका फाइबर है, इसके अंदर क्रिम्प आ गई। मैंने आपको डिजाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ाया था फाइबर के अंदर क्रिम्प होनी चाहिए, तो ये नेचर अपने आप क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई। और इसको किसी को नहीं मालूम भाई कितने साल पुराना है कॉटन, लोग बताते हैं ये 7000 ईयर ओल्ड है, तब से ये कॉटन फाइबर पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉटन इज कॉल्ड द किंग ऑफ फाइबर। मैंने सब प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दी है ना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन। ये टोटल आपका जो है लगभग 197% तक सेलुलोज है। अगर आपको प्योर सेलुलोज चाहिए तो आप कॉटन फाइबर को ले लीजिए, यही सेलुलोज है। और कल मैंने बताया था कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सन रे फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज बन गया। ये नेचर अपने आप बनाता है और सब बैलेंस करता है। हम सांस लेते हैं तो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और नेचर इसीलिए कहा जाता है पेड़ आप ग्रो करिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कौन खत्म करेगा। नहीं, अगर सब पेड़ आप काट देंगे तो सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए सरकार कहती है, आपने देखा नहीं ग्रीन है ना प्लांटेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉटन फाइबर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन निकालते हैं, इसके अंदर स्टोमेटा होता है, उससे आपकी ऑक्सीजन निकलती है। केवल आपका पीपल का पेड़ छोड़ के सब फाइबर आपके ये निकालते हैं, वो रात को भी आपका जो है उसके अंदर अलग स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, मैं आपको बात बोलूँ। तो ये है आपका क्या, दिस इज योर मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉटन फाइबर।
अब मैं बता दूं केमिकल कंपोजिशन, कॉटन फाइबर केमिकल कंपोजिशन, तो इसके अंदर क्या जाता है आपका सेलुलोज, ये आपका परसेंटेज है, ये आपका केमिकल है, तो ये होता है आपका 88 to 97। फिर होता प्रोटीन जो प्राइमरी वाले की, इसी के साथ प्रोटीन आपकी अटैच रहती है ना, ये आपका एमिनो एसिड्स होते हैं, है ना। कोई भी आप फल लेते हैं तो उसके अंदर आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलता है, तो वैसे ही ये कॉटन फाइबर भी एक फ्रूट है, सीड बीच में लगा हुआ, तो फ्रूट में जैसे आप सेब खाते हो तो उसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, सब कुछ है, तो इस फाइबर के अंदर भी आपको सब चीजें मिलेंगी, लेकिन सेलुलोज 100% है और सब चीजें बहुत कम, ठीक है ना। तो प्रोटीन आपका जो होता है आपका 1 से लेकर के 2, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। जैसे आप देखें तो अंडे की प्रोटीन बेस्ट होती है और जो गेहूं की प्रोटीन होती है वो खराब होती है, तो जब अगर आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको लेनी है तो आप एक खाइए, है ना, एक के अंदर आप जो प्रोटीन होती है बेस्ट क्वालिटी आप एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। और ये आटे वाटे के अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं पुअर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप देखें तो अंग्रेज लोग अंडा अंडा खाते हैं तो गोरे लाल होते हैं, और ये इंडियन जो है वो दाल चावल खा खा के काले काले हो जाते हैं ना, तो हाँ ये गेहूं की प्रोटीन है तो ये काली होती है ना, यही आप बीट ये सब देते ना, एग वगैरह प्रोटीन वगैरह हाई क्वालिटी, यस, तो आपका लंबे चौड़े हड्डी उड्डी सब बहुत बढ़िया, तभी सरकार कहती है अंडा खाओ सेहत बनाओ, है ना, रोज खाओ अंडे, न्यूज में आता है ना, इसीलिए कहते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बेस्ट है। जाड़ों में जरूर आप अंडा खाइए, अभी जो जो लोग मतलब उस तरीके के हैं, न तो आपको चना ये सब आपको लेना पड़ेगा हाई क्वालिटी स्प्राउटेड बीन्स वगैरह, है ना, अदरवाइज 40% प्रोटीन आपके खाने में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बॉडी आपकी डिटोरिएट करेगी, ठीक है ना। तो दूसरा होता प्रोटीन, थर्ड होता ऑयल एंड वैक्स, ये होता आपका 0.4 to 1.5। मैंने बताया ऑयल एंड वैक्स, जब हम स्कौरी करते हैं कॉटन फाइबर, स्कौरी पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, स्कौरी के अंदर क्या करते हैं, ये सब जितने भी आपके इंप्योरिटीज है उनको निकाल देते हैं, है ना, तो ये वैक्स वैक्स सब निकल जाते हैं पहले, तब हम इसको कपड़े को ड्राई करते हैं, ठीक है ना। जैसे पीवी को पॉलिस्टर विस्कोस को ड्राई करना है तो सबसे पहले हम स्कौरी करेंगे, स्टोरिंग करने के बाद जितनी भी आपका साइजिंग मटेरियल और फाइबर आइबर सब बाहर निकल जाता है, क्लीन आपका फाइबर हो जाता है, दैट्स व्हाई वी डू द स्टोरिंग, ठीक है ना। तो ये सब आपका स्टोरिंग में निकल जाता है। तीसरा होता है आपका पैकिंग, ये भी आपका सेलुलोज होते हैं, हेवी सेलुलोज वगैरह ये सब होते हैं स्ट्रक्चर, एंड इट्स कंटेंट इज इक्वल टू 0.4 to 1.5, इसको चेक कर लेना, उसे ये चेक कर लेना, लगता 1.5 ही होता है, पैकिंग होता है आपका
तो रेंज आप लिख लीजिए, लगभग आपका 50 पॉइंट नाइन फिर थर्ड आ जाता आपका मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं जिसे पानी को आप एक्वा गार्ड या इससे कर देते हैं तो क्या हो जाता है आरू से इसके सब मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। आपको जो घुटने की बीमारी हो रही है ना भाई ये इसी वजह से हो रही है, आपने क्या किया जो भगवान का दिया हुआ पानी है उसको आपने फिल्टर करके सब साल्ट आपने निकाल दिए प्योर वाटर और उससे क्या हो जाएगा कि आपके ज्वाइंट्स खराब हो रहे हैं जैसे डॉक्टर बताते हैं है ना, ये सब केमिकल वगैरह आपके यहाँ पर जरूरत होते हैं। नहीं तो आप देखिए आजकल कितने लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं ऑपरेशन करवाते हैं और नकली घुटना उतना नहीं चलता जितना असली चलता है ना, तो क्या हो जाता है कि इसीलिए आपको एक्सरसाइज रनिंग जॉगिंग करना बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं करते तो आपके घुटने खराब जाएंगे है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका मिनरल ये होते हैं आपका 0.7 to 1.6 और दूसरा होता अदर ये होता है आपका 0.5 to 0.8 ठीक है ना। चलो कल मैं लूंगा आपका जूट फाइबर ठीक है ना। तो दिस ऑल अबाउट द कॉटन फाइबर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, टुमारो आई विल टेक द जूट फाइबर इन डिटेल। ओके थैंक यू।